सती प्रथा जो है, वेरी गुड। देखिए ये ब्रिटिशर्स लोग ने क्या किया ना, कोई अच्छी चीज को आप गलत तरह से मिसरिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए मैं ऊपर बैठा हूँ, आप लोग नीचे बैठे, ठीक है ना, ये अच्छा ही खराब है। अब इसको मिसरिप्रेजेंट भी किया सकता है, देखो ऊपर बैठता है बच्चों को शोषण करता है, समझ रहे हैं। अब मैं सेवा के लिए ऊपर बैठा हूँ, सपोज कि आपको मैं हेल्प कर सकूं, लेकिन कोई बोले रे नहीं क्या चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, कब होता भी टीचर लोग कभी कभी बच्चे का शोषण भी करते, जो तुम कुछ नहीं बोल सकता है, तुम क्या बोले यार, ईगो के कारण भी शोषण करते, सिगरेट पिया गुटखा खाया, लेकिन बच्चे को एकदम जैसे कॉलेज में रैगिंग होती, किस प्लेटफॉर्म पे होती, सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट देना खराब है क्या? लेकिन आप सीनियर हो, थोड़ा उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका शोषण करो। अभी कॉलेज में क्या होता है, उसको नोट्स लिखवाएंगे, मतलब जब अपना काम नहीं करेगा फिर उसे काम करवाए, समझ रहे हैं। पहले जमाने में अपना काम उसको सिखाने के लिए देते थे, जैसे मेडिकल में जो होंगे उनका आइडिया होगा कि आप क्या कर सकते हो, अपना काम आप भी कर सकते हो, आप देते हो उसको सिखाने के लिए, इंटर्नशिप होती है या आदमी ज्वाइन करता है तो असिस्ट करता है, तो वो बेचारा सेवा के रूप में क्या करता है, उसे करवाता है ताकि सीख जाए। जैसे घर में मम्मी होती है, हम लोग को बेटी को बोले बेटा रोटी बनाओ, तो मम्मी जानती है उसको सिखाने के लिए बनते बनाओ, और दूसरा है मम्मी अपना काम निपटाने के लिए बनाए तुम बनाओ, समझ रहे। आजकल तो कंसेप्ट सही था कि आप जूनियर से काम करवाओ, लेकिन किस लिए, किस लिए, सिखाने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, इंस्टेड ऑफ सिखाने जगह फोकस क्या चेंज हो गया है, समझ रहे हैं, फोकस है चेंज टू एक्सप्लॉयटेशन। आप समझ रहे पॉइंट, तो फिर वो सिस्टम बदल जाएगा, तब तो उसका भला नहीं करना चाहिए, बस वो शोषण करना चाह रहे। जैसे मेडिकल कॉलेज में शैम्पू काम करे गया, मैं झूठ मूठ का नाटक, एक हो गया उसको सिखाने के लिए कर रहा है, दूसरा हो गया जस्ट परेशान। तो सती प्रथा भी जो थी बहुत साइंटिफिक थी। अभी जैसे एक माता जी का पति गुजर गया, यंग माता जी थी, तो अब उसके लिए बाजार में निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर हम लोग बगल में थे, कृष्णा को से जुड़ी भी थी, टटली मंदिर आ पाती है शायद, तो मतलब मैनी टाइम जैसे ही पति गुजरता है बहुत सारी स्त्रियों का शोषण होता है, क्योंकि अपने खुद के रिलेटिव एक्सप्लॉइट कर लेते, बताया इसका कोई पति तो है नहीं, समझ रहे, होता है कि नहीं होता। इंडिया में कितनी गर्ल्स होती है, मतलब फैमिली मेंबर्स होते हैं जो एक्सप्लॉइटेड होते हैं, बट इंडियन कल्चर में उतना रिपोर्ट नहीं होता है। कितने लोगों का साथ मतलब सेक्स होता है, मतलब कोई उसका रिपोर्टिंग नहीं, लेकिन कोई डर के बारे बोलता नहीं, क्या बोलेगा, समझ रहे आप। सो 90% आर नॉट रिपोर्टेड, बहुत बार बच्चे का उनके साथ होमोसेक्स कर लिया, कुछ बोलते कहा, कितना होता है, समझ रहे हैं, तो रिपोर्टेड नहीं होता है। तो वैसे ही अगर वुमेन अकेली है, उसका कोई पति नहीं है, तो 90% चांसेस है कि एक्सप्लॉइटेड होगी, और उसको भी नीड्स है ना। देखो वुमेन का जो स्वभाव, बॉडी ऐसा बनाया गया है कि वो मतलब उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए, नहीं तो मतलब इनसिक्योर फील करती है। आप यहाँ बैठे हो तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं आए, ठीक है, कल हम लोग छूट गए थे, ठीक है खोज लेंगे हमको क्या, लेकिन वुमेन को ना वो अकेले रहेगी ना, घबरा जाएगी, पगला जाएगी, तो उसको कोई ना कोई चाहिए, समझे, तो कोई भी मिल जाएगा उसको मोहल्ला के आसपास का, किसी किसी साथ रहना चाहते हो, अकेले मतलब माथा घूम जाएगा। तो अब उसको तो शेल्टर चाहिए, उसको सामान चाहिए, बहुत सारा फैसिलिटी भी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो वुमेन विल समटाइम ट्राई टू सेड्यूस मैन टू गिव शेल्टर, या मैन विल ट्राई टू सेड्यूस वुमेन, रास्ते से घूम रही उसको पति नहीं है, तुरंत चार आदमी सोचेगा इसके साथ मेरे को एंजॉय करना, समझ रहे। तो इसीलिए क्या था नियम कि पति पत्नी जब पति गुजरे हैं, समझ रहे, तो पत्नी अपना पति से इतना प्रेम होता था, पति ज़्यादा, पहले के पति जो होते थे गुरु को फॉलो करते थे, मेल बॉडी ज़्यादा बॉडी फिट है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, तो गुरु को फॉलो करेंगे, भगवान में लीन रहेंगे।
और वो इनका सेवा करेगी। तो पति मरेंगे तो यूजुअली किधर जाएंगे, अच्छी गति प्राप्त करेंगे, भगवान की ओर जाएंगे। और पत्नी पति को रिमेम्बर करते हुए मरेगी तो वो भी थोड़ा सा हायर डेस्टिनेशन प्राप्त करेगी। तो उसको इतना पति से प्रेम होता था कि पति गुजरते थे तो उसका सेपरेशन में वो एकदम मतलब जल के राख हो जाते थे, समझ रहे? तो उसको सहमरण बोलते थे। क्या बोलते थे? साथ में अपना गुरु। फोर्स नहीं था। और इसका प्रमाण क्या है? महाभारत में प्रमाण है। कुंती के पति जब पांडु गुजरे तो कुंती तो सती नहीं किया गया, इन पर कुंती सती होना चाह रही थी लेकिन उसको मना किया माता जी, नहीं बच्चों का ख्याल रखना। और शास्त्रों में भी दिया अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको मरने की जरूरत, समझ रहे हैं? वो वॉलंटरी था, वो चाहे अगर बहुत यंग है तो दूसरी शादी भी कर सकती, अपने पिता के घर भी जा सकती, पिता के घर जा सकती है या फिर शादी भी कर सकती, छोटा बच्चा तो उसका पालन पोषण कर सकती। और उसको अगर लग रहा है तो अपने पति के साथ कुछ बॉडी भी लीव कर सकती। तो शास्त्रों में जो प्रमाण सती का बताए, और अगर सती हो गई तो अपने उसको बहुत अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, पति को रिमेम्बर करके गई। तो साइंटिफिक था, इसमें कोई एकदम ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं था और सिस्टमेटिक था। अब इसको ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, अब कोई जल के अब जबरदस्ती करने लगा। अब पत्नी नहीं मानना चाहे उसको जबरदस्ती तुमको जलना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अब चाहे नहीं मानना चाहे उसको जबरदस्ती जलाओ तो ये तो लाइक गजब टाइप का लगेगा, समझ रहे? जैसे मान लो कोई लड़का IIT करना ही नहीं चाहता, उसका लेवल ही नहीं, उसको कैलकुलस घुसता ही नहीं भाई, उसको जबरदस्ती बोल नहीं करना पड़े करना पड़े, पागल हो जाएगा मैं उसका लेवल नहीं, परेशान है भाई, मैं ऐसी बना घुसता ही नहीं है, क्या टॉर्क वॉर्क क्या है मैं? हमको सिंपल दुकान चलाने में, खेती करने में कदे इतना झमेला मत दीजिए। तो लोगों के लेवल के अनुसार उनको ट्रेनिंग किया जाता था, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं था पहले, समझ रहे? समझ रहे आप लोग पॉइंट? तो सती बहुत सिस्टमेटिक प्रथा था। किसका क्वेश्चन था, समझ में आया आपको?